हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। सो आज अपन देख रहे हैं LPM की कॉमन टर्मिनोलॉजी। ये जो है आपको बहुत ही काम आएगी आपके LPM सब्जेक्ट की स्टडीज़ में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट है ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में जो है अपन इसके सारे लेटर्स के हिसाब से अपन जो है देखेंगे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहला है एबोमिज्म, द फोर्थ कंपार्टमेंट और ट्रू स्टमक ऑफ द रूमिनल एनिमल, ठीक है। रूमिनेंट एनिमल होता है ना, उसका फोर्थ कंपार्टमेंट होता है और ये ही होता है ट्रू स्टमक, ठीक है, एबोमिज्म। फिर बात करें एप्सिस, तो एप्सिस जो है एक लोकलाइज स्वेलिंग होती है बॉडी टिश्यूज़ की विद द पस फील्ड कैविटी, पस फील्ड होता है, ठीक है। फिर बात करें एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन तो आप जानते हैं the process by which digested nutrients जो होता है are taken into the bloodstream, bloodstream में लिया जाता है digested nutrients। फिर बात करें accelerated lambing, तो a system that produces 3 lamb corps in 2 years, ठीक है। फिर बात करें ad libitum, ad libitum बहुत ही आसान है, मतलब आप समझ लो कि आप उसे भरपेट खिला रहे हो, ठीक है। भरपेट वाला सीन होता है ना, जो ad libitum बोलते हैं, system of feeding livestock in which no limit is placed on food intake, मतलब आपने उसको भरपेट खिलाया है। फिर बात करें adenine, adenine तो आप जानते हैं एक प्योरिन बेस होता है फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए, इट नॉर्मली पेयर्स द विथ थाइमिन इन डीएनए। फिर बात करें अल्फ्लाटॉक्सिन, अल्फ्लाटॉक्सिन जो की बात करें अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ मोल्ड स्पेशली एस्परजिलस फ्लेवर्स दैट कैन कंटामिनेट स्टोर्ड एनिमल फीड, ठीक है। जो अल्फ्लाटॉक्सिन होता है ना, ये आपके काम आएगा, एक कंपाउंड होता है जो कि प्रोड्यूस किससे होता है, मोल्ड से, ठीक है। कौन करता है, एस्परजिलस फ्लेवर्स, ठीक है, दैट कैन कंटामिनेट स्टोर्ड एनिमल फीड, कोई कंटेमिनेशन कर देता है, ठीक है, एनिमल फीड की। फिर बात करें आफ्टर बर्थ, तो द मेम्ब्रेन्स एक्सपेल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द फिटस, जब फिटस का बर्थ होता है तब जो मेम्ब्रेन बाहर आती है उसे बोलते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है। फिर बात करें एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, या द साइंस ऑफ अल्टरिंग जेनेटिक एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, उसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये तो आपको पता ही है। फिर बात करें एग्रो टेररिज्म, the deliberate use of biological or chemical weapons to bring harm to agriculture enterprises, तो इसे बोलते हैं एग्रो टेररिज्म, ठीक है। आप उसका वेपन्स की तरह काम ले रहे हो, एग्रीकल्चर के जो मतलब जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के थ्रू आप किसी को एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस को हार्म कर रहे हो, तो वो एग्रो टेररिज्म के अंदर आता है। फिर बात करें एल्बिनो, एल्बिनो जो होता है एनिमल विथ पिंक आइज एंड वाइट स्किन एंड हेयर, ये आपका जब जेनेटिक्स आएगी तब उसमें भी आपको ये पढ़ाया जाएगा। फिर बात करें एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आप जानती हैं पोल्ट्री के अंदर जो होती है, द फूड कैरिंग पैसेज That begins at the mouth and ends at the vent, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फिर बात करें alkaline cleaners, the group of general cleaners used to clean milk equipments include such as substance as caustic soda हो गया, ठीक है, soda ash हो गया, baking soda हो गया, matte silicate of soda हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, alkaline क्लीनर्स है। फिर बात करें अलील, अलील तो आपको AGB में भी पढ़ाया जाएगा, जब आपके ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट होगी जेनेटिक्स तब उसके अंदर आपको अलील वर्ड मिलेगा। अभी इसके अंदर समझ लो द मेंबर, वन मेंबर ऑफ अ पेयर और सेवरल जीन्स दैट इज लोकेटेड ऑन अ स्पेसिफिक पोजिशन ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम में जो होता है ना पेयर ऑफ जो जीन्स होता है उसमें से एक पेयर को जो है एक मेंबर, पेयर के एक मेंबर को बोलते हैं अलील, ठीक है, लोकलाइज पोजिशन पर जो होता है। फिर बात करें ऑल इन और ऑल आउट, अ मेथड ऑफ रेजिंग हॉग्स दैट मूव्स पिग्स एज अ ग्रुप फ्रॉम नर्सरी थ्रू ग्रोइंग एंड फिनिशिंग टू द मार्केट, ठीक है, ग्रोइंग और फिनिशिंग जो है उनको मार्केट तक ले जाया जाता है। फिर बात करें एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या होता है, इन डेयरी एनिमल्स द पार्ट ऑफ द अडर दैट मैन्युफैक्चर्स मिल्क, ठीक है, जो एल्वोलाई होता है ना वो डेयरी एनिमल्स के अंदर अडर के अंदर एक पार्ट होता है जो मैन्युफैक्चर क्या करता है मिल्क को, ठीक है, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बाय डिफ्यूजन। फिर बात करें अमीनो एसिड्स, तो ये तो आप जानते हैं इट इज़ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सर्टेन अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल, जो एसेंशियल होते हैं ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ सेल्स के। फिर बात करें एनिमल प्रोटीन, अ प्रोटीन सप्लीमेंट दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड
और एनिमल बाय प्रोडक्ट। तो जो एनिमल प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं अपने, वो कहाँ से आते हैं? एनिमल और एनिमल बाय प्रोडक्ट से जो प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं उनको बोलते हैं एनिमल प्रोटीन। फिर बात करें एंथेलमेंटिक केमिकल कंपाउंड यूज फॉर ट्रीटिंग इंटरनल वॉर्म्स इन एनिमल, ठीक है, एनिमल के अंदर इंटरनल वॉर्म्स होते हैं ना, उनको किल करने के लिए जो है ना ये यूज़ किया जाता है। फिर बात करें एंटीबायोटिक एथल, जानते हैं केमिकल एजेंट दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ जर्म और बैक्टीरिया, ठीक है। फिर बात करें एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडी सब्सटेंस जो होते हैं डेट प्रोटेक्ट एन एनिमल फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड पॉइजंस, ठीक है। फिर बात करें एंटी माइक्रोबियल, तो द सब्सटेंस डेट कैन डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है ना जो डिस्ट्रॉय कर देती है और इनहिबिट कर देती है कोई भी ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, एंटी माइक्रोबियल नाम से ही पता चल रहा है। फिर बात करें एनस, तो ये तो ओपनिंग होती है एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का टर्मिनेशन होता है यहाँ पे, एंड थ्रू विच फिशेज पास आउट ऑफ द बॉडी। फिर बात करें अपेरल वूल, तो फाइन वूल यूज इन मेकिंग क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथ के लिए जो यूज़ किया जाता है ना फाइन मटेरियल, फाइन वूल, उसे बोलते हैं अपेरल वूल। फिर बात करें आर्सेनिकल, एक ड्रग कंटेनिंग आर्सेनिक, जो आर्सेनिक कंटेन करता है ड्रग उसे बोलते हैं आर्सेनिकल, ठीक है। फिर बात करें आर्टेरियोल्स, ये तो आप जानते हैं स्मॉलर ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज डेट कनेक्ट द टू द कैपिलरी बेड, उसे बोलते हैं आर्टेरियोल्स। फिर बात करें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है? वन सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वन सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतनी सिंपल से नाम है बैक्टीरिया वो होता है। फिर बात करें बैक्टीरियन, तो लिक्विड कंटेनिंग डेड और वीकेंड बैक्टीरिया डेट कॉजेज द एनिमल टू बिल्ड अप एंटीबॉडीज डेट फाइट डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियन क्या होता है? एक लिक्विड कंटेनिंग डेड और वीकेंड बैक्टीरिया होते हैं डेट कॉजेज द एनिमल टू बिल्ड अप एंटीबॉडीज जो कि फाइट कर सके डिजीज से कॉज बाय बैक्टीरिया। फिर बात करें बैलेंस्ड राशन, तो ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। फीड अलाउंस होते हैं फॉर एन एनिमल ड्यूरिंग द 24 आवर पीरियड डेट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द एनिमल नीड्स इन द डाइट प्रोपोर्शन एंड अमाउंट, मतलब जितना उसको चाहिए उस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स वगैरह 24 घंटे के लिए जो बनता है फॉर्मुलेट होता है उसे बोलते हैं बैलेंस्ड राशन। बैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ शीप, ठीक है, उसे अपन फ्लॉक भी बोल सकते हैं। फिर होता है बेडिंग इंस्टिंक्ट, तो ये होता है टेंडेंसी ऑफ अ शीप टू स्टे टुगेदर इन अ ग्रुप, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लॉकिंग इंस्टिंक्ट, ठीक है। आप उसकी टेंडेंसी होती है शीप की कि वो ग्रुप में रहे, उसे बोलते हैं बेंडिंग इंस्टिंक्ट और उसे फ्लॉकिंग इंस्टिंक्ट भी बोला जाता है। फिर बात करें बेंटम, बेंटम क्या होता है? एक स्मॉल चिकन या फिर यूजुअली वेइंग फ्रॉम 16 से 30 ounces यानी 0.45 to 0.85 kg एज एन एडल्ट, ठीक है, उसे बोलते हैं बेंटम। फिर बात करें बैरो, बैरो क्या होता है? मेल स्वाइन कास्ट्रेटेड वाइल यंग इन विच फिजिकल ट्रेट्स ऑफ द बोर हैव नॉट डेवलप्ड, तो ऐसे मेल स्वाइन होते हैं जो कि कास्ट्रेटेड किया जाता है यंग एज में ही, जिनके फिजिकल ट्रेट्स भी जो है बोर जैसे अभी तक डेवलप नहीं हो रखे होते हैं। फिर बात करें बोर, तो बोर होता है मेल स्वाइन डेट हैज़ नॉट बीन कास्ट्रेटेड, जिसका अभी कास्ट्रेशन नहीं हुआ है उसे बोलते हैं बोर। फिर बात करें बोर टेंट, तो रिफर्स टू द ऑर्डर ऑफ द बोर मीट, ठीक है, बोर मीट का जो ऑर्डर होता है वो बोर टेंट बोला जाता है। फिर बात करें बॉडी कंडीशन स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इज अ सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग बॉडी एनर्जी, कि उसका रिलेटिवली बॉडी फैट कितना है इन एनिमल यूजिंग अ न्यूमेरिक स्कोर, एक न्यूमेरिकल स्कोर होता है 1 से लेकर 8 तक होता है, ठीक है। फिर ये जो बात करें बॉस इंडिकस, तो हम्ड कैटल ओरिजिनेटिंग इन ट्रॉपिकल कंट्रीज एंड कॉमन इन मॉडर्न कैटल प्रोडक्शन इन द US, ठीक है, ये जो होती है हम्ड कैटल होती है, ठीक है, ये आपको ब्रीड्स में पढ़ाया जाता है। फिर बात करें बॉस टॉरस, तो ये डोमेस्टिक कैटल है जो कि ओरिजिनेटिंग हो रही है फ्रॉम आइदर फ्रॉम द ओरक्स और द सेल्टिक शॉर्ट हॉर्न, ठीक है, शॉर्ट हॉर्न, ठीक है, सेल्टिक शॉर्ट हॉर्न से जो है इसका ओरिजिनेशन है। फिर बात करें ब्रीड, ब्रीड की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स डेट ब्रीड टू ट्रू टू अ नंबर ऑफ गिवन ट्रेट्स डेट आइडेंटिफाइज द ब्रीड, ठीक है। फिर बात करें ब्रीड क्रॉसिंग, तो इन पोल्ट्री द क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स टू गेट द डिजायर्ड ट्रेट्स, तो ब्रीड क्रॉसिंग क्या है? पोल्ट्री के अंदर जो क्रॉसिंग होती है डिफरेंट ब्रीड्स टू गेट द डिजायर्ड ट्रेट्स। फिर बात करें ब्रीडिंग रैक, इक्विपमेंट यूज फॉर हैंड मेटिंग, ठीक है, इक्विपमेंट जो यूज होते हैं हैंड मेटिंग के लिए उसे बोलते हैं ब्रीडिंग रैक। फिर बात करें ब्रीडिंग शीप, तो ब्रीडिंग शीप क्या है? वेस्टर्न ईव्स दैट आर सोल्ड बैक टू फार्म्स एंड रेंचेस टू बी ब्रेड टू प्रोड्यूस मोर लैम्स, तो ऐसी शीप्स जो होती है वेस्टर्न ईव्स जो होती हैं जिन्हें वापस जो है सोल्ड बैक किया जाता है फार्म्स के अंदर ताकि वो ब्रीड कर सके और वापस जो है मोर बहुत सारे जो है लैम्स बना सके। फिर बात करें ब्रीडल, ब्रीडल होता है हेड गियर यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स, ठीक है, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। फिर बात करें ब्रूड, तो ब्रूड होता है रिफर्स टू एन एनिमल डैट इज कैप्ट फॉर ब्रीडिंग पर्पज, जो ब्रीडिंग पर्पज के लिए जो
है रखा जाता है। फिर बात करें ब्रूडर, द एंक्लोजर इन विच द यंग एनिमल्स आर कैप्ड, जहाँ ऐसा एंक्लोजर जहाँ पे यंग एनिमल्स रखे जाते हैं और आर अलाउड टू फ्री एक्सेस विच फर्निशेज हीट अंटिल दे अडेप्ट टू आउटसाइड टेम्परेचर। ठीक है, ये जो होता है इसके लिए किया जाता है ताकि ये अडेप्ट कर सके आउटसाइड टेम्परेचर के लिए। फिर बात करें ब्रूडीनेस, तो ब्रूडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन अ पोल्ट्री व्हेन अ हैन स्टॉप लेइंग एग्स एंड वांट्स टू सिट ऑन अ नेस्ट ऑफ हैग्स टू हैच देम, वो फिर हैच करने के लिए जो है सिट हो जाती है एग्स के ऊपर, तो उसके अंदर उसे बोलते हैं ब्रूडीनेस। फिर बात करें ब्राउज, तो ब्राउज क्या होता है, शूट्स ट्विग्स और लीव्स जो होती हैं ब्रश प्लांट्स की फाउंड ग्रोइंग ऑन रेंज लैंड। फिर बात करें बक, बक क्या होता है, मेल ऑफ सच स्पीसीज एज गोट डियर रैबिट एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं मेल के स्पीसीज जो होते हैं ना गोट की या डियर की या रैबिट की, उनको बोलते हैं बक। फिर बात करें बुल, बुल होता है मेल बोवाइन ऑफ एनी एज डेट हैज़ नॉट बीन कास्टेटेड, जो अभी तक कास्टेशन नहीं हो रखा है। बुलॉक की बात करें, अ मेल बीफ एनिमल यूजिंग यूजुअली अंडर 24 मंथ ऑफ एज, जो कि 24 मंथ का होता है अभी तक जो है ना मेल बीफ एनिमल, विच मे बी कास्टेटेड और अनकास्टेटेड और डज शो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बुल। फिर बात करें बर्डीजो, बर्डीजो होता है एक पिंसर लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है विथ वाइड जो, जो बहुत उसका फैलाव होता है वाइड जो होता है, ठीक है, पिंसर लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है यूज फॉर ब्लडलेस कास्ट्रेशन ऑफ एनिमल। ब्लडलेस कास्ट्रेशन अगर करना होना एनिमल का तो ये यूज़ किया जाता है विथ द पेंडेंट स्क्रॉटम, ठीक है, पेंडेंट स्क्रॉटम यू ऑल्सो यूज फॉर ब्लडलेस किलिंग ऑफ पोल्ट्री। ब्लडलेस अगर किल करना हो पोल्ट्री को तब भी बर्डीजो जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, और या फिर डॉकिंग करनी हो लैम की टेल की, ठीक है, तब भी ये यूज़ किया जाता है। फिर बात करें बाय प्रोडक्ट, तो आप जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली लेस वैल्यू देन द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर बात करें कैब्रिटो, कैब्रिटो क्या होता है, एक मीट होता है फ्रॉम यंग किड्स स्लॉटर्ड एट अप्रॉक्सीमेटली 30-40 pounds, यानी 13.6-18 kg का जो होता है। फिर बात करें काफ, काफ होता है बीफ एनिमल अंडर 1 year ऑफ एज, एक ईयर की एज का जो होता है ना बीफ एनिमल उसे काफ बोलते हैं, आप जानते ही हैं। कैंडलिंग क्या होता है, कैंडलिंग होता है एक प्रोसेस जो डिटरमाइन करता है इंटीरियर क्वालिटी ऑफ एन एग विद द यूज ऑफ अ हाई इंटेंसिटी लाइट, ठीक है, जो इंटीरियर क्वालिटी होती है ना एग की, वो अगर आपको देखना हो तो कैंडलिंग किया जाता है, उसमें आप हाई इंटेंसिटी लाइट प्रोवाइड कराते हो एग के ऊपर, तो आप उसके इंटीरियर जो है स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हो। फिर बात करें कैपिंग, कैपिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ लीविंग अ स्ट्रिप ऑफ मोहेर डाउन द अंगोरा गोट बैक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वेदर्स, ठीक है, तो प्रैक्टिस होती है ताकि जो है मोहेर डाउन कर सके क्या अंगोरा गोट को बैक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेदर, वेदर जो है ना आउटसाइड वो ख़राब होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर बात करें कैपॉन, कैपॉन की जो है मेल चिकन डेट हैज़ बीन सर्जिकली कास्टेटेड, जो सर्जिकली कास्टेटेड होता है ना मेल चिकन उसे बोलते हैं कैपॉन। फिर बात करें कार्बोहाइड्रेट, ये तो आप जानते ही हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कारपेट वूल, अ कोर्स वूल यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स, जो कारपेट बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। फिर बात करें कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी ग्रेज्ड ऑन अ पास्चर ड्यूरिंग द ग्रेजिंग सीजन, जब ग्रेजिंग सीजन आता है तब जो नंबर ऑफ एनिमल्स जो ग्रेज्ड होते हैं पास्चर पे उसे बोलते हैं ग्रेजिंग, उसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। फिर बात करें कैश्मीर, कैश्मीर जो होता है एक सॉफ्ट डाउन या फिर विंटर अंडरकोट होता है, फाइबर का बना होता है, प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट ब्रीड्स ऑफ द गोट्स एक्सेप्ट द अंगोरा, अंगोरा के अलावा जो भी जो बनता है ना वो कश्मीर आपने सुना होगा, ये उसका जो है विंटर अंडरकोट बनता है, ठीक है, फाइबर का। फिर बात करें कास्ट्रेशन, तो ये तो आप जानते हैं रिमूवल ऑफ द टेस्टिकल्स ऑफ द मेल एनिमल, उसे ही बोलते हैं कास्ट्रेशन, ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर बात करें कैटल, कैटल क्या होता है, एक बीफ एनिमल ओवर 1 year ऑफ एज, एक साल से बड़ा जो एनिमल होता है बीफ एनिमल उसे कैटल बोला जाता है। फिर बात करें कैटल गार्ड गेट, अ गेट दैट अलाउज इक्विपमेंट टू बी ड्राइवन इनटू एन एरिया विदाउट द ऑपरेटर हैविंग टू स्टॉप एंड ओपन अ गेट, ठीक है, उसे बोलते हैं कैटल गार्ड गेट, जिसके अंदर मतलब अलाउ किया जाता है कि आप उसको एरिया के अंदर मतलब वो ऑपरेटर होता है स्टॉप भी कर सकता है ओपन भी कर सकता है गेट को, ठीक है। फिर बात करें सिक्कम, सिक्कम जो होता है एक ब्लाइंड पाउच होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, पॉइंट वेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइंस द लार्ज इंटेस्टाइन, जब स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे जॉइन होता है वहाँ जो है ये सिक्कम जो है ब्लाइंड पाउच लोकेटेड होता है। फिर बात करें सेल, तो सेल तो आप जानते ही हैं माइक्रोस्कोपिक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्मा डेट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर बात करें चैलेंज फीडिंग,
चैलेंज फीडिंग जो होता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है द प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग हायर लेवल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट, जो ऐसी प्रैक्टिस जो हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेट जो है फीड किया जाता है टू चैलेंज द काउ टू रीच हर मैक्सिमम पोटेंशियल मिल्क प्रोडक्शन नोन एज लीड फीडिंग। मतलब इसमें आप उसको कह रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए आप जितना उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हो उतना दोगे। फिर बात करें कंसेप्शन रेट, तो कंसेप्शन रेट क्या होता है द परसेंटेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स डैट बिकम्स अ प्रेगनेंट वैन ब्रीड, ठीक है। फिर बात करें कॉन्फॉर्मेशन, द टाइप ऑफ फॉर्म एंड द शेप ऑफ द लाइव एनिमल यूजुअली विद रेफरेंस टू सम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो टाइप होता है या फॉर्म होता है या शेप होता है लाइव एनिमल का, जो कि यूजुअली किससे रेफरेंस किया जाता है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, तो उसे बोलते हैं कन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर बात करें कंटेम्प्रेरी ग्रुप, कंटेम्प्रेरी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट हैव बीन रेज्ड अंडर द सेम कंडीशन, जो कि रेज किया जाता है सेम कंडीशन के ऊपर, हैव द सेम जेनेटिक बैकग्राउंड, उसका सेम जेनेटिक बैकग्राउंड होता है और आर द ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है, वो होता है कंटेम्प्रेरी ग्रुप। फिर बात करें कैप्रोफेगी, कैप्रोफेगी क्या होता है द प्रैक्टिस ऑफ इंजेस्टिंग फिशेज, जो रैबिट्स वगैरह होते हैं उनमें देखने को मिलता है ये। फिर बात करें कॉपुलेशन, तो कॉपुलेशन तो आप जानते हैं मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। फिर बात करें काउंटरैक्ट, काउंटरैक्ट क्या होता है द सब्सटेंस दैट अटेम्प्ट्स टू न्यूट्रलाइज द ऑर्डर ऑफ वेस्ट सो ऑन सो नो ऑर्डर रिमेन्स, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज कर दे ऑर्डर ऑफ वेस्ट तो ताकि कोई ऑर्डर ना आए उसे बोलते हैं काउंटरैक्ट, ठीक है। फिर बात करें काउ, काउ तो आप जानते हैं फीमेल बोवाइन डेट हैज़ हैड वन और मोर काउस और एन ओल्डर फीमेल डेट हैज़ नॉट हैड अ काफ बट हैज़ मैच्योर, जो मैच्योर हो रखी है या फिर ऐसा भी कह सकते हो जिसके एक दो काफ भी हैं उन्हें भी आप जो है काउ बोल सकते हो। काउ काफ सिस्टम, काउ काफ सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम होता है बीफ प्रोडक्शन का दैट इन्वॉल्व कीपिंग अ हर्ड ऑफ बीफ काउस दैट आर ब्रेड ईच ईयर टू प्रोड्यूस काउस विच आर सोल्ड टू कैटल फीडर्स, ठीक है। फिर बात करें क्लिप फीडिंग, क्लिप फीडिंग बहुत ही पूछा जाता है द सिस्टम ऑफ फीडिंग यंग डोमेस्टिक एनिमल्स बाय इज नॉट ससेप्टेबल टू आइदर वन इंडिविजुअल, ठीक है, नॉट ससेप्टेबल होती है एक इंडिविजुअल के लिए, और ये जो होता है डोमेस्टिक यंग एनिमल्स के अंदर फीडिंग होती है, ठीक है, उसे क्लिप फीडिंग बोलते हैं। चेवरॉन, चेवरॉन तो आप जानते हैं मीट जो होता है कहाँ से, ग्रोट का जो मीट होता है ना उसे चेवरॉन बोलते हैं। क्लिप क्या होता है द वूल ऑफ और मोहेर प्रोड्यूस बाय अ सिंगल शेयरिंग, जो वूल हो गया या फिर मोहेर हो गया जो आप पहले शेयरिंग जो होते हैं ना सिंगल शेयरिंग में जो निकालते हो क्लिप बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है क्लोज ब्रीडिंग, तो क्लोज ब्रीडिंग क्या है एन इंटेंसिव फॉर्म ऑफ ब्रीडिंग इन विच द एनिमल बींग मेटेड आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, मतलब जो मेटिंग होती है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जो एनिमल्स के अंदर होती है और जिनकी एंसेस्ट्री जो है डेट कैन बी ट्रैक्ड बैक टू मोर देन वन कॉमन एंसेस्टर, उनका एक कॉमन एंसेस्टर एक दो जनरेशन में ही मिल जाता है। फिर बात करें कोल्ड कन्फाइनमेंट हाउस, जो हॉग शेल्टर होता है ना हुज टेम्परेचर इज ओनली स्लाइटली वार्मर देन द आउटसाइड टेम्परेचर उसे बोलते हैं कोल्ड कन्फाइनमेंट हाउस, ठीक है। फिर बात करें कलर ब्रीड, तो इन हॉर्सेज द ब्रीड दैट रजिस्टर हॉर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेसिस पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। हॉर्सेज इन द ब्रीड हैव मे हैव वैरायटी ऑफ कन्फर्मेशन टाइप्स, ठीक है। फिर बात करें कोलोस्ट्रम, तो कोलोस्ट्रम क्या होता है द मिल्क प्रोड्यूस इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है, वो उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम, आप जानते ही हैं। फिर बात करें कॉल्ट, कॉल्ट क्या होता है जनरली अ मेल हॉर्स अंडर 3 ईयर ऑफ एज, द थॉरो ब्रीड जो होती है ब्रीड बी इंक्लूड मेल दैट आर 4 ईयर ओल्ड, 4 साल के जो ईयर ओल्ड जो थॉरो ब्रीड होती है या फिर कोई 3 ईयर्स एज का जो अंडर जो मेल हॉर्स होता है उसे कोल्ट बोला जाता है। फिर बात करें कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन आप जानते ही हैं जिसके अंदर जो है एम्बियंट इफेक्टिव एम्बियंट टेम्परेचर मिल जाए आपको विद इन विच एन एनिमल डज नॉट हैव टू इंक्रीज नॉर्मल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के उसे कुछ हीट प्रोडक्शन के लिए कुछ इंक्रीज ना करना पड़े ज़्यादा, ठीक है, ऑफ ऑनसेट हीट लॉस ना हो एनवायरमेंट पे उसे बोलते हैं थर्मो न्यूट्रल जोन, ठीक है, या फिर कंफर्ट जोन। फिर बात करें कमर्शियल फीड टैग, द लेबल अटैच टू द बैग ऑफ फीड परचेज्ड एट अ ग्रेन एलिवेटर और फीड स्टोर, तो कमर्शियल फीड टैग क्या होता है एक लेबल होता है जो कि अटैच कहाँ किया जाता है फीड जो अपन परचेज करते हैं ना उसके बैग होता है उसके ऊपर होता है ताकि उसका जो है ग्रेन एलिवेटर या फिर उसका फीड स्टोर में जो है आप उसको यूज़ कर सको, कमर्शियल फीड टैग बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर बात करें कमर्शियल हीट डिटेक्टर, तो जो हेल्प करता है आपका डिटेक्ट करने का हीट का इन द हर्ड ऑफ काउस, तो उसे बोलते हैं कमर्शियल हीट डिटेक्टर। फिर बात करें कमर्शियल प्रोटीन
सप्लीमेंट जो मिक्सेस होते हैं एनिमल के और वेजिटेबल प्रोटीन फीड्स का, जो कि मेड बाय कमर्शियल फीड कंपनीज दैट आर यूजुअली मेड फॉर वन क्लास ऑफ एनिमल, ठीक है, एक क्लास ऑफ एनिमल के लिए जो है होता है। फिर बात करें कंसनट्रेट तो आप जानते ही हैं, द फीड कंटेनिंग लेस देन 18% ऑफ क्रूड फाइबर वेन ड्राई और ग्रेन एंड प्रोटीन सप्लीमेंट आर कंसनट्रेट, ठीक है। इनका क्या होता है, 18% से कम तो क्रूड फाइबर होता है, और TDN जो होता है ना वो 60% से ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं कंसनट्रेट, ठीक है। वो 60% वाला आप समझ लो या फिर लिख लो एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर बात करें कंसेप्शन रेट, तो कंसेप्शन रेट क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट बिकम्स अ प्रेग्नेंट व्हेन ब्रीड, ठीक है। तो कंसेप्शन रेट क्या होता है कि कितने परसेंटेज है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है प्रेग्नेंट हो जाएंगे ब्रीड, जो उनकी ब्रीडिंग होगी। फिर बात करें कन्फर्मेशन क्या होता है, द टाइप फॉर्म और शेप ऑफ द लाइव एनिमल, ठीक है, उसका टाइप, उसका फॉर्म क्या है, उसका शेप क्या है लाइव एनिमल का, यूजुअली विद रेफरेंस टू सम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसे बोलते हैं कन्फर्मेशन। फिर बात करें क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है, एन इनहेरिटेड ट्रेट दैट कॉजेज वन और बोथ टेस्टिकल्स टू बी हेल्ड इन द बॉडी कैविटी, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं जो कि कॉज करता है एक या फिर बोथ टेस्टिकल्स को जो है बॉडी कैविटी में जो है हेल्ड करने के लिए जो होता है वो बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिजम्स, ठीक है। क्रिप्टो यानी हिडन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ऐसे भी आप डेफिनेशन बना सकते हो। कड क्या होता है, इन रूमिनेंट्स जो बॉल लाइक मास होता है ना फीड का, दैट इज ब्रॉट अप टू फ्रॉम द स्टमक टू द रीच यूट, ठीक है, वो वापस रीच यूट किया जाता है, उसे बोलते हैं कड, ठीक है। फिर बात करें कलिंग तो आपको पढ़ा ही रखा है और समझ में भी आ रखा होगा कि कलिंग क्या होता है, रिमूविंग एनिमल्स फ्रॉम अ हर्ड दैट आर नॉट एज प्रोडक्टिव और डिजायरेबल एज द अदर्स इन द हर्ड, ठीक है। तो रिमूविंग क्या करना है, एनिमल्स को अपना जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज करने के लिए ये किया जाता है कलिंग, जिसमें क्या करता है, इसका एक और भी होता है टू कलेक्ट डिजायर्ड वन, ठीक है, आपको सिर्फ डिजायर्ड वाले जो आपको अच्छे कैरेक्टर्स वाले वही चाहिए, बाकी को हटाना, ठीक है, बाकी एनिमल्स को रिमूव करना, उसे बोलते हैं कलिंग। फिर अब डी जो है लेटर्स कौन कौन सा है, तो पहला है डेयरी हर्ड इंप्रूवमेंट एसोसिएशन, ठीक है, DHIA, ये ग्रुप ऑफ डेयरी फार्मर्स है जिनको लोकल एरिया में होती है, डेट इज फॉर्म टू प्रोवाइड प्रोडक्शन टेस्टिंग सर्विसेज, ये प्रोडक्शन टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। ये किसका ग्रुप है, डेयरी फार्मर्स का, ये कोई लोकल एरिया में बन जाता है डेयरी हर्ड इंप्रूवमेंट एसोसिएशन नाम से, ठीक है। फिर बात करें डेफिशिएंसी, तो कोई भी चीज़ का एलिमेंट का राशन में है ना लैक कर जाना उस एलिमेंट का, उसे डेफिशिएंसी बोलते हैं, तो आप जानते ही हैं। फिर बात करें डिमांड क्या होता है, डिमांड होता है एनिमल का प्रोडक्ट, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट बायर्स विल परचेज एट अ गिवन टाइम फॉर अ गिवन प्राइस, ठीक है, जो बायर जो है परचेज करता है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसका प्राइस होता है वो होती है डिमांड, ठीक है। फिर बात करें डिओड्रेंट क्या होता है, एक केमिकल जो कि किल करता है बैक्टीरिया डेट कॉज एन अडर, ठीक है, अडर कॉज करने वाले बैक्टीरिया को किल करता है। फिर बात करें डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो आप जानते हैं, ये DNA की बात हो रही है, द कंपाउंड कंपोज ऑफ डी ऑक्सी राइबोज जो कि शुगर है, एक फॉस्फोरिक एसिड होता है और एक नाइट्रोजन होता है। DNA मॉलिक्यूल कंटेन जीन्स ऑन स्टैंड्स इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स। फिर बात करें ड्यूलैप क्या होता है, द हैंगिंग होल्ड ऑफ स्किन अंडर द नेक ऑफ द एनिमल्स स्पेशली सम ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड गोट्स, तो हैंगिंग फोल्ड्स क्या होता है, स्किन के अंदर होता है नेक ऑफ एनिमल्स के अंदर, स्पेशली क्या होता है सम ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड गोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। आपको पता है ये ड्यूलैप तो आपने देख रखा हो ना, ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, मैं आपको एक बार डायग्राम से भी जो है बता देता हूँ। जैसे कि ये एनिमल है, नो डाउट ये एनिमल मान लो, ठीक है, ये इसकी पूछ हो गई, यहाँ जो है ना यहाँ पे एक होता है ड्यूलैप, ठीक है, इस एरिया पे ये एनिमल के जैसे कोई बॉडी है ना, तो यहाँ पे ये ड्यूलैप प्रेजेंट होता है, तो ये आपको ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं डाइट, ठीक है, डाइट की बात चल रही है, तो डाइट क्या होता है, द टाइप ऑफ एंड अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक हैबिचुअली इंजेस्टेड बाई अ पर्सन और एन एनिमल राशन विदाउट रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो जो भी टाइप या अमाउंट ऑफ फूड या फिर ड्रिंक करवा रहे हैं हैबिचुअली इंजेस्टेड बाय अ पर्सन या फिर कोई भी एनिमल जो है वो खा रहा है या पी रहा है, उसका राशन जो है विदाउट रेफरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कोई रेफरेंस मतलब उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, उसको बोलते हैं डाइट, ठीक है। फिर डिपिंग वेट क्या है, अ पिट फिल्ड विद अ लिक्विड कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, ऐसा पिट यानी खड्डा जो कि किससे फिल्ड हो रखा है, लिक्विड कंटेनिंग, जिसमें क्या क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है, ओवीसाइड्स है, रेपेलेंट्स है, थ्रू विच एनिमल्स आर फोर्स्ड टू पास फॉर
डिसइंफेक्टेशन, ठीक है, जिसमें एनिमल को जो है फोर्स किया जाता है ताकि वो डिसइंफेस्टेशन कर सके, ठीक है। फिर बात करें डिस्पोजल, डिस्पोजल क्या होता है, द फाइनल स्टेप इन कंट्रोलिंग रन ऑफ फ्रॉम फीड लॉट्स, ठीक है, एक फाइनल स्टेप होता है कंट्रोल करने के लिए रन ऑफ फ्रॉम फीड लॉट्स इन विच वाटर कलेक्टेड इज होल्डिंग पॉन्ड्स इज यूज फॉर इरीगेशन और अलाउड टू इवेपोरेट, ठीक है, उसे जो है होल्डिंग पॉन्ड्स जो है यूज़ किया जाता है इरीगेशन के लिए और अलाउड किया जाता है इवेपोरेशन के लिए, ठीक है। फिर बात करें डोई, डोई क्या होती है, अ फीमेल ऑफ दोज स्पीसीज इन विच द मेल इज कॉल्ड अ बक, उसे मेल को तो बोलते हैं बक, और एग्जांपल क्या है इसके, गोट्स हो गई, ठीक है, और डियर हो गया, रैबिट्स हो गया, फीमेल स्पीसीज को बोलते हैं, ठीक है, मेल को तो बक बोलते हैं और फीमेल स्पीसीज जो होती है ना गोट डियर रैबिट की उसको डोई बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करें डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेट क्या होता है, टू अडॉप्ट द बिहेवियर ऑफ एन एनिमल टू फिट द नीड्स ऑफ पीपल, तो जो अडॉप्ट किया जाता है बिहेवियर ऑफ एनिमल, ठीक है, डोमेस्टिकेट वो वर्ड यूज़ किया जाता है ताकि वो नीड ऑफ पीपल को जो है वो एनिमल फिट हो सके, ठीक है। फिर बात करें डोंकी, डोंकी क्या होता है, द कॉमन नेम ऑफ दी एस, ठीक है, जो है ना डोंकी तो आप जानते ही हैं। फिर बात करें ड्राफ्ट एनिमल, फिर बात करें जो है ड्रेंच, ड्राफ्ट एनिमल तो आपको पता ही है ना, एन एनिमल यूज फॉर पुलिंग लोड्स, जो लोड लेते हैं सारा ड्राफ्ट एनिमल, ये तो आसान ही है। फिर बात करें ड्रेंच, ड्रेंच क्या होता है, लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन, मतलब एक डोज जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, इन अ लिक्विड फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटेड टू द एनिमल थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू देने वाला जो है ना ये केमिकल के लिए, केमिकल थेरेपी जो होती है वो उसमें ड्रेंचिंग यूज़ किया जाता है वर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन दिया जाता है, लिक्विड के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है माउथ के अंदर। फिर बात करें डिक्टोशिया, तो डिक्टोशिया होता है पेनफुल और स्लो डिलीवरी और बर्थ, ठीक है, बर्थ जो है ना वो जैसे ओवरवेट हो गई काउ या फिर अंडरवेट हो गई तो फिर डिक्टोशिया की प्रॉब्लम्स आती है। फिर बात करें इलास्ट्रेटर बैंड, अ टाइट रबर बैंड प्लेस्ड बाय स्पेशली इंस्ट्रूमेंट यूज्ड अराउंड द स्क्रॉटम अबव द टेस्टिकल्स दैट कट ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ द टेस्टिकल्स कॉजिंग देम टू वेस्ट अवे, ठीक है। इलास्ट्रेटर बैंड क्या होता है, एक टाइट रबर बैंड होता है जो कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है अराउंड द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अराउंड जो है इसको प्लेस किया जाता है अबाउट द टेस्टिकल्स, जो कि कट कर देता है ब्लड सप्लाई किसकी, टेस्टिकल्स की, और कोई जो है कॉजिंग देम टू वेस्ट अवे, तो ये होता है इलास्ट्रेटर बैंड, ठीक है। ये बहुत ही पेनफुल मेथड है तो इसको जो है आजकल यूज़ नहीं किया जाता। फिर बात करें एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है, अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस जो होता है वो एम्ब्रियो होता है। फिर बात करें एनर्जी फीड, द एनर्जी फीड क्या होती है, लाइफ स्टॉक फीड कंटेनिंग लेस देन 20% क्रूड प्रोटीन, जो कि 20% से कम क्रूड प्रोटीन रखते हैं ना वो, उनको मोस्टली ग्रेन्स होते हैं और एनर्जी फीड्स, ये उनको सबको एनर्जी फीड्स बोला जाता है। फिर बात करें एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट तो आप जानते हैं, द टोटल ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन इन्फ्लुएंसेस दैट इफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसे बोलते हैं एनवायरमेंट। फिर बात करें इओहिप्पस, इओहिप्पस क्या होता है, एक टाइनी अबाउट 1 foot हाई, मतलब 1 foot लंबा होता है, 4-toed एंसिस्टर, जो 4 जो है टोड का एंसिस्टर ऑफ टूडेज हॉर्स, ठीक है, उसका बात कर रहे हैं, नेटिव जो है उसका नॉर्थ अमेरिका का है कॉन्टिनेंट का अबाउट 58 million ईयर को, ठीक है, ये मतलब जो होते हैं 1 foot हाई होते हैं, छोटे होते हैं और 4 टांगों वाले, ठीक है, 4 टोड होते हैं उनके, मतलब एंसिस्टर ऑफ टुडेज हॉर्स, टुडेज हॉर्स के एंसिस्टर है, जो कि नेटिव का इनका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अबाउट 58 million ईयर अगो। फिर बात करें ईस्ट्रस, ईस्ट्रस तो आप जानते हैं, द टाइम ड्यूरिंग विच द फीमेल विल एक्सेप्ट द मेल फॉर कॉपुलेशन, ठीक है, ऑल्सो रेफर्ड टू एज द बींग इन हीट, उसे इन हीट भी बोला जाता है, ठीक है। फिर बात करें ईव, ईव क्या होता है, फीमेल शीप और लैम्ब, फीमेल शीप और लैम्ब को बोलते हैं ईव। फिर बात करें फेरियर, फेरियर जो होता है जो हॉर्स के फीट के ऊपर काम करता है, यानी जो होता है ना हॉर्स शूइंग वगैरह जो होता है उसका जो है वो फेरियर ही देखता है। फिर बात करें फैट, फैट तो आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन डेट इज सॉलिड एट द बॉडी टेम्परेचर, फैट्स कंटेन मोर कार्बन और हाइड्रोजन देन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर मेनली ग्लिसरल एस्टर्स ऑफ सर्टेन अमीनो सर्टेन एसिड्स डेट आर सॉल्युबल इन ईथर बट नॉट इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है पर ईथर के अंदर सॉल्युबल होता है, क्या, फैट, फैट तो आप सभी जानते ही हैं और ये बायोकेमिस्ट्री में भी आता है। फिर बात करें फिशेस, फिशेस का होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल दैट इज पास्ड आउट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द एनस, सिंपल है। फिर बात करें फीड एडिटिव, फीड एडिटिव क्या होता है, अ मटेरियल एडेड टू लाइफ स्टॉक फीड, लाइफ स्टॉक फीड के अंदर जो मटेरियल ऐड किया जाता है यूजुअली एन एंटीबायोटिक दैट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट एनहांसेस द ग्रोथ एफिशिएंसी ऑफ द एनिमल, जो कि एक न्यूट्रिएंट नहीं है बट ये क्या मतलब कह सकते हैं कोई भी फीड एफिशिएंसी या फिर उसका बढ़ाना ना ग्रोथ एफिशिएंसी एनिमल की, तो ये जो है यूज किया जाता है। फिर बात करें फीड काफ, फीडर काफ तो ये विंड काफ होता है, ठीक है, डेट इज़ 1 year of age, 1 साल का होता है एंड इट्स sold to be fed
फॉर मोर ग्रोथ, ठीक है, ये ज़्यादा ग्रोथ के लिए फीडर काफ डाला जाता है, ठीक है। फिर बात करें फिटस, तो अनबॉर्न एनिमल को बोला जाता है। फोल क्या होता है? अ यंग हॉर्स ऑफ आइदर सेक्स अप टू एक ईयर ऑफ एज, ठीक है, एक साल के जो यंग हॉर्स होता है उसे बोला जाता है, कोई भी सेक्स हो सकता है, मेल या फीमेल, एक साल तक के जो है हॉर्स, यंग हॉर्स को बोला जाता है फोल। फिर बात करें फ्रैकस, तो फ्रैकस होता है ब्लैक पिगमेंटेड स्पॉट होता है स्वाइन के ऊपर, कंसिडर्ड एज अनडिजायरेबल ट्रेट फॉर द यॉर्कशायर ब्रीड। ये एक अनडिजायरेबल ट्रेट है, ठीक है, ट्रेट यानी मतलब जो एक्सप्रेस होते हैं ना फिनोटाइप में, अनडिजायरेबल है उसका, तो ये यॉर्कशायर ब्रीड के अंदर देखने को मिलता है, ब्लैक पिगमेंटेड स्पॉट्स हो जाता है स्वाइन के ऊपर। फिर बात करें फ्री चॉइस, फ्री चॉइस क्या होता है? मेकिंग फीड अवेलेबल टू द एनिमल एट ऑल टाइम्स, ठीक है, आप उसको मतलब फीड जो है फुल्ली अवेलेबल करा रहे हो पूरे दिन भर, ठीक है। फिर बात करें फुल फीड, ये होता है एनिमल को जो है वो आपने बोल दिया जो इच्छा है वो खा, ठीक है। फिर बात करें फुल ब्लड, फुल ब्लड क्या होता है? एन एनिमल ऑफ अनमिक्स्ड ब्रीड, अनमिक्स्ड ब्रीड के लिए जो एनिमल जो होता है फुल ब्लड बोलते हैं उसे। गेट होता है जो मूवमेंट होता है ना हॉर्स के फीट का, ठीक है, ऐसे तबड़क तबड़क ऐसे आवाज़ आती है ना, तो ये सारे क्या है? गेट है, उसका मूवमेंट है जो है ना उसका अपन रिकॉर्ड करते हैं, रिएक्ट्स ऑन द हॉर्स इन अ मोशन, ठीक है, गैलॉप होता है और ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। फिर बात करें गेल्डिंग, गेल्डिंग क्या होता है? मेल हॉर्स दैट हैज़ बीन कास्ट्रेटेड, जो मेल हॉर्स होता है जो कि कास्ट्रेटेड हो रखा है उन्हें गेल्डिंग बोला जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी में। फिर बात करें जीन, जीन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि लोकेटेड होता है ऑन अ हॉर्स दैट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। फिर बात करें गेस्टेशन, तो गेस्टेशन जो होता है टाइम ड्यूरिंग विच द एनिमल इज प्रेगनेंट, जो टाइम पीरियड होता है ना जिसमें एनिमल प्रेगनेंट होता है उसे गेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। एक गेस्टेशन ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, ट्राइमेस्टर भी होते हैं, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर बात करें गिल्ट, गिल्ट क्या होता है? यंग फीमेल स्वाइन डेट हैज़ नॉट बीन फेरोड और एंड इट इज़ नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, जो अभी तक साइंस जो है नहीं दिया है प्रेगनेंसी से उसे बोलते हैं गिल्ट। और फिर बात करें जिम खाना, जिम खाना एक होता है गेम्स होता है जो कि हॉर्स बैक पे जो है खेला जाता है, हॉर्स बैक ऑन हॉर्स बैक जो है ये गेम है जिम खाना, ठीक है। फिर बात करें ग्रोइंग पीरियड, ग्रोइंग पीरियड क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम विनिंग टू अबाउट 100 एल्स, मतलब 45 किलो तक का जो है विनिंग जब होती है 45 किलो की, तो वो ग्रोइंग पीरियड होता है, ठीक है। द ग्रेडिंग अप क्या होता है? एक मेटिंग होती है प्योर ब्रीड सायर की टू ग्रेड फीमेल्स, ताकि उसका जो है ग्रेडिंग अप होता है, मतलब प्योर ब्रीड जो होती है ना उसके साथ मेटिंग कराई जाती है, ठीक है, ताकि उसका ग्रेड जो है अप हो सके। हाल्टर, हाल्टर क्या है? अ रोप और लेदर हेडगार्ड हेडगियर यूज टू टाई और लीड एन एनिमल, ठीक है, ये जो होता है एक रोप होती है या फिर एक लेदर का हेडगियर होता है जो कि टाई करने में और उसको लीड करने में ना एनिमल को आगे चलाने में उसमें काम आता है, ठीक है। फिर बात करें हैंड, तो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है यूज टू डिस्क्राइब द हाइट ऑफ हॉर्सेस, मतलब एक हाथ, ठीक है, 4 इंच के बराबर होता है, तो हाथ से जो है नापी जाती है, ठीक है, हॉर्सेस की हाइट। फिर बात करें हैंक, हैंक क्या है? एक मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ फॉर यार्न, इसमें हैंक जो है वर्स्टेड यार्न कंटेंस 560 yards, ठीक है, ये इसका याद रखने के इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हार्नेस, हार्नेस क्या होता है? द गियर यूज टू अटैच अ हॉर्स और अदर ड्राफ्ट एनिमल टू अ लोड, ठीक है, गियर जो यूज़ किया जाता है अटैच करने में हॉर्स को या फिर कोई ड्राफ्ट एनिमल को लोड के ऊपर, ठीक है। फिर बात करें हेडगेट, हेडगेट क्या होता है? एक डिवाइस फॉर रिस्ट्रेनिंग लाइव स्टॉक। फिर बात करें हेजिंग, हेजिंग क्या होती है? द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क इन अ फ्यूचर मार्केट फॉर लॉकिंग इन द प्राइस, तो प्रैक्टिस की जाती है रिड्यूसिंग रिस्क इन अ फ्यूचर मार्केट की रिस्क जो है रिड्यूस करने के लिए जो है हेजिंग किया जाता है, उसमें क्या करते हैं मार्केट में लॉक कर देते हैं प्राइस को। फिर बात करें हैफियर, हैफियर तो आप जानते हैं एक फीमेल बोवाइन डैट हैज़ नॉट हैड अ काफ और हैज़ नॉट मैच्योर्ड एज अ काउ, तो जो फीमेल बोवाइन होती है जो कि है डैट हैज़ नॉट हैड अ काफ नहीं है जिसके अभी और ना ही वो मैच्योर हो रखी है काउ के एज अ काउ, ठीक है। फिर बात करें हिनी होती है ऑफस्प्रिंग जो कि क्रॉस किस्म होता है ऑस्ट्रेलियन एंड अ जेनेट, ठीक है। फिर बात करें हॉर्समैनशिप, हॉर्समैनशिप जो होती है द आर्ट ऑफ राइडिंग अ हॉर्स ऑल्सो कॉल्ड इक्विटेशन, ठीक है, जो आर्ट होता है राइडिंग का, ठीक है, वो जो है इसके अंदर हॉर्समैनशिप कहलाता है, ठीक है। फिर बात करें होताउस लैम क्या होता है? यंग शीप सोल्ड एट 50 to 90 days ऑफ एज, ठीक है, जो 50 से 90 दिन ऑफ एज जो है यंग शीप जो सोल्ड की जाती है उसे बोलते हैं होताउस लैम्स, ठीक है।
फिर बात करें हाइब्रिड, हाइब्रिड होता है एनिमल प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, दो एनिमल्स जो डिफरेंट ब्रीड्स के हैं उनकी जो है मेटिंग कराना है या फिर क्रॉसिंग कराना है वो जो है हाइब्रिड बनता है। फिर बात करें जैक, जैक होता है मेल एस और जेनेट क्या होती है फीमेल एस। फिर बात करें कैंप, कैंप जो होता है लार्ज चौकी वाइट हेयर्स फाउंड इन द फ्लीस ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ गोट्स स्पेशली द अंगोरा, ठीक है अंगोरा की ब्रीड का जो होता है ना वो होता है फ्लीस होता है, ठीक है ब्रीड्स ऑफ गोट जो होती है उससे मिलता है। फिर बात करें किड, किड क्या होता है गोट ऑफ आइदर सेक्स, ठीक है आइदर सेक्स हो सकती है डेट इज अंडर वन ईयर ऑफ एज, एक ईयर ऑफ एज की जो होती है। फिर बात करें लैम, लैम होता है यंग वन ऑफ शीप, ठीक है यंग वन जो होता है शीप का उसे लैम बोला जाता है। लाइट हॉर्स, लाइट हॉर्स होता है हॉर्स डेट इज यूज मेनली फॉर राइडिंग ड्राइंग रेसिंग, ठीक है इसके लिए यूज किया जाता है। फिर बात करें लिमिट फेड, लिमिट फेड अ मेथड ऑफ फीडिंग इन विच द अमाउंट ऑफ फीड गिवन द एनिमल इज कंट्रोल्ड और लिमिटेड टू लेस देन द एनिमल वुड ईट इफ गिवन फ्री एक्सेस टू द फीड। तो जो मेथड होता है फीडिंग का, ठीक है किसके अंदर अमाउंट ऑफ फीड गिवन द एनिमल इज कंट्रोल, कंट्रोल कर लिया लिमिट फेड, ये तो आपको लग रहा है ये नाम से आपने उसका जो है कंट्रोल कर लिया उसका एनिमल का फीड, ठीक है। फिर बात करें मेयर, मेयर क्या होता है जनरली द मैच्योर फीमेल हॉर्स जो होती है ना उसे मेयर बोलते हैं। फोर ईयर्स ऑफ द एज और ओल्डर इन द थोरोब्रीड एंड फाइव ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर, ठीक है। फिर बात करें मार्कोर्स, मार्कोर्स जो होता है स्पीसीज ऑफ वाइल्ड गोट डिलीवर्ड बिलीव टू बी एंसिस्टर्स ऑफ सम ऑफ द टूडेज डोमेस्टिक ब्रीड्स। तो मार्कोर्स जो होते हैं वो एक स्पीसीज होती है किसकी वाइल्ड गोट की जो कि बिलीव किया जाता है कि ये उनके एंसिस्टर्स थे, ठीक है और सम ऑफ द टूडेज डोमेस्टिक ब्रीड्स के, ठीक है जो अभी आज डोमेस्टिक ब्रीड्स हैं गोट की उनका जो है एंसिस्टर माना जाता था, ठीक है मार्कोर्स को। फिर बात करें मार्टिंगेल, मार्टिंगेल क्या होता है स्ट्रैप अटैच टू द हॉर्स गिर्थ पास थ्रू द फोर लेग्स एंड फासन टू द बीट, ठीक है स्टैंडिंग मार्टिंगेल और द रेंस रनिंग मार्टिंगेल द पर्पस इज टू होल्ड द हॉर्स हेड डाउन सो इट विल नॉट रेयर अप। सो एक मार्टिंगेल क्या होता है एक स्ट्रैप होता है, ठीक है जो कि हॉर्स के गर्थ पे लगाया जाता है तो उसको फिर फोर लेग से पास करके फिर फासन किया जाता है, ठीक है स्टैंडिंग मार्टिंगेल होता है एक रनिंग मार्टिंगेल होता है, इसका यही होता है ताकि उसका अपन हेड जो है नीचे रख सके और वो जो है सो इट विल नॉट रेयर अप, ठीक है। फिर बात करें मीटी, मीटी क्या होता है रिफर्स टू देन अडर डेट इज स्टिल फर्म आफ्टर मिल्किंग, जो मिल्किंग में जो है फर्म रहता है उसका अडर, ठीक है उसके लिए मीटी जो है वर्ड यूज़ किया जाता है। फिर बात करें मेकोनियम, ये इंपॉर्टेंट है ये पूछते हैं द फिशेज दैट आर इम्पैक्टेड इन द बॉबल्स ड्यूरिंग प्री नेटल ग्रोथ, ठीक है मेकोनियम। फिर बात करें नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिलस्टोन, मिलस्टोन क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो कि एक्यूमुलेट किया जाता है ऑन इनप्रॉपरली क्लीन्ड मिल्किंग इक्विपमेंट्स में, ठीक है। फिर बात करें मिनरल, मिनरल तो आप जानते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। फिर बात करें म्यूल, म्यूल क्या होता है द ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अ जैक एंड अ मेयर यूजुअली स्टराइल, ठीक है ये यूजुअली स्टराइल होता है म्यूल। फिर बात करें मल्टीपल फेरोइंग, मल्टीपल फेरोइंग क्या होता है अरेंजिंग द फीडिंग अरेंजिंग द ब्रीडिंग प्रोग्राम सो डैट द ग्रुप्स ऑफ साउस फरो एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द ईयर। तो फेरोइंग क्या होता है एक ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है इसमें क्या किया जाता है ग्रुप्स ऑफ साउस जो है वो फेरो किया जाता है रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर के लिए जो होता है, ठीक है। फिर बात करें नेशनल शिप इम्प्रूवमेंट, ठीक है नेशनल शिप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम NSIP, ये होता है कंप्यूटराइज्ड परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम होता है ताकि आप सेलेक्ट कर सको शिप को, ठीक है। नेटिव ईव क्या होता है द ईव डेट इज नॉट प्रोड्यूस इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। ऑफ फ्लेवर क्या होता है नॉन डिजायरेबल ऑर्डर ऑफ फ्लेवर इन द मिल्क, ठीक है उसे ऑफ फ्लेवर बोलते हैं। पैलेटेबल क्या होता है गुड टेस्टिंग और पैल्पेटिंग क्या होता है एग्जामिनिंग करना अ डो टू डिटरमाइन प्रेगनेंसी। पैसंग, पैसंग होता है स्पीसीज ऑफ वाइल्ड गोट बिलीव टू बी एंसेस्टर ऑफ सम ऑफ टूडेज डोमेस्टिक ब्रीड्स। पेडिग्री, पेडिग्री की बात करें तो द रिकॉर्ड ऑफ द एंसेस्टर्स ऑन द ऑफ एन एनिमल, ठीक है उसे बोलते हैं रिकॉर्ड जो अपन रखते हैं ना एंसेस्टर का वो वाला। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्टर्स द यूज ऑफ वेरियस कंपाउंड्स यूजुअली हार्मोन्स टू कॉज ऑल द फीमेल्स इन द हर्ड टू कम इनटू हीट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्टर्स पूछा जाता है जिसमें क्या है कि वेरियस कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं जिससे सारी फीमेल्स जो होती है हर्ड के अंदर वो हीट के अंदर आ जाती है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर बात करें स्पिनिंग काउंट, स्पिनिंग काउंट क्या होता है द नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ यार्न दैट कैन बी स्पन फ्रॉम 1 pound ऑफ वूल टॉप, ठीक है स्पिनिंग काउंट इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी जो है नंबर ऑफ हैंक जो होते हैं यार्न के, ठीक है वो जो है स्पन में जो है 1 pound ऑफ वूल में जो है टॉप पे आते हैं उसे बोलते हैं स्पिनिंग काउंट। फिर बात करें स्प्लिट सेक्स फीडिंग, स्प्लिट सेक्स फीडिंग में क्या होता है फीडिंग बरोज एंड गिल्स
सेपरेटली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए होता है। फिर बात करें स्प्रिंग लैम्स, स्प्रिंग लैम्स क्या होता है, यंग शिप डेट आर 3 to 7 मंथ ऑफ एज एंड यूजुअली वे फ्रॉम 70 to 90 पाउंड्स, ठीक है, यानी 31.8 से लेके 40.8 केजी तक का जो है इसके अंदर होता है, यंग शिप को बोलते हैं, ठीक है, 3 से 7 महीने वाली एज की, ठीक है, जो कि जिसका वेट कितना होता है 30 से 40 मान लो अप्रॉक्स, ठीक है। स्टैग, स्टैग क्या होता है, एंड मेल एनिमल यूजुअली अ बीफ और स्वाइन विच है वॉज कास्टेटेड आफ्टर रीचिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड शोज द फिजिकल ट्रेट्स फॉर ऑफ द अनकास्टेटेड मेल, ठीक है। फिर बात करें टैग, टैग होता है एक इक्विपमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर राइडिंग एंड शोइंग हॉर्सेज, ठीक है, एक ऐसा इक्विपमेंट जो राइडिंग और शोइंग जो होता है हॉर्सेज के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर बात करें टैगिंग, टैगिंग क्या होती है, टैगिंग होती है शेयर अराउंड द अडर, ठीक है, शेयरिंग जो होती है ईव के अडर के अराउंड बिटवीन द लेग्स एंड अराउंड द डॉग, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रचिंग, ठीक है, क्रचिंग भी बोलते हैं, टैगिंग जिसे बोला जाता है, ठीक है। फिर बात करें टार्स, टार्स क्या होता है, स्पीशीज ऑफ वाइल्ड गोट बिलीव टू बी द एंसिस्टर ऑफ सम ऑफ टूडेज डोमेस्टिक गोट्स, ठीक है, स्पीशीज जो होती है वाइल्ड गोट की बिलीव किया जाता है वो एंसिस्टर है डोमेस्टिक गोट्स की, ठीक है। फिर बात करें टेल डॉकिंग, टेल डॉकिंग होता है कटिंग ऑफ पार्ट ऑफ द एनिमल्स टेल, एनिमल की टेल का जो है कट कर दिया जाता है पार्ट्स, ठीक है। फिर बात करें टीट, टीट क्या होता है, आउटलेट फॉर मिल्क प्रोड्यूस इन द अडर, जो आउटलेट होता है मिल्क जो प्रोड्यूस होता है अडर के अंदर उसे बोला जाता है टीट। फिर बात करें टोबियानो, टोबियानो क्या है, कलर पैटर्न है हॉर्सेस के अंदर इन विच द हर्ड इज अ सॉलिड कलर, ठीक है, सॉरी हेड जो होता है वो सॉलिड कलर का होता है, लेग्स होते हैं वाइट और एटलीस्ट बिलो द नीज एंड हॉक्स एंड देर आर रेगुलर स्पॉट्स ऑन द बॉडी, ठीक है, रेगुलर स्पॉट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। फिर बात करें ट्रैप नेस्ट, ट्रैप नेस्ट क्या होता है, द नेस्ट इक्विप्ड विद द डोर डेट ऑटोमेटिकली क्लोजेज वैन द बर्ड एंटर्स द नेस्ट, तो ट्रैप नेस्ट होता है एक नेस्ट इक्विप किया जाता है विद अ डोर जो कि ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है जब बर्ड एंटर कर जाती है नेस्ट के अंदर, तो इसे बोलते हैं ट्रैप नेस्ट। फिर बात करें अडर, अडर जो होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है मेमरी मैमल्स के अंदर सच एज काउस के अंदर जो है होता है। अनसाउंडनेस क्या होता है, द डिफेक्ट दैट अफेक्ट द यूजफुलनेस ऑफ हॉर्स, जो अफेक्ट करता है यूजफुलनेस ऑफ अ हॉर्स वो अनसाउंडनेस होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द फिटल मेम्ब्रेन दैट कनेक्ट्स द नेवल ऑफ द फिटस एंड कैरीज द ब्लड वेसल्स दैट बिफोर बर्थ सप्लाई न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन टू द एंड कैरिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का जो है वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करती है बिफोर बर्थ, ठीक है। यूट्रस तो आप जानते हैं पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द फिटस ग्रोज और ऑल्सो कॉल्ड एज वॉर्म, वॉर्म भी बोला जाता है। फिर बात करें व्हील, व्हील क्या होता है, काफ का मीट, ठीक है। फिर बात करें व्हीलर, व्हीलर होता है काफ लेस देन 3 मंथ्स ऑफ ओल्ड दैट इज़ ग्रोन फॉर व्हील, ठीक है, जो कि इसके लिए काफ के मीट के लिए जो प्रोड्यूस किया जाता है ग्रोथ की जाती है 3 महीने से छोटा जो काफ होता है उसे व्हीलर बोलते हैं। फिर बात करें वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करें तो लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, जो लिंकिंग होती है किसका, टू और मोर स्टेप्स के अंदर फॉर प्रोडक्शन मार्केटिंग और प्रोसेसिंग का, तो उसे वर्टिकल इंटीग्रेशन बोला जाता है। वाइस ये आपको बहुत पूछा जाता है, एनी सीरियसली अनडिजायरेबल हैबिट ऑफ एन एनिमल को बोलते हैं वाइस। विटामिन की बात करें तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नीडेड इज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फॉर न्यूट्रिएंट्स, तो उसे बोलते हैं विटामिन। फिर ईयरलिंग, ईयरलिंग होता है एन एनिमल बिटवीन 1 and 2 years of age, उसे बोलते हैं ईयरलिंग। फिर जूनोसिस, जूनोसिस होता है डिजीजेज एंड पैरासाइट दैट मे बी ट्रांसमिटेड बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, तो वो जो होता है ना ह्यूमन्स से एनिमल्स के जो है कॉन्टैक्ट, मतलब एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में जब ह्यूमन्स आते हैं तब जो है डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, उस डिजीजेज को बोलते हैं जूनोटिक डिजीजेज। और ये जूनोसिस जो होता है डिजीज या फिर कोई भी पैरासाइट जो होता है जो कि ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, उसे जूनोसिस के अंदर आता है। फिर बात करें जायगोट, जो फर्टिलाइज एग होता है सेल फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू गैमेट्स। सो इसी के साथ जो है हमने LPM के सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लिया है, बहुत ही सिंपल जो है टर्मिनोलॉजी होती हैं, बस आप ये वीडियो बार बार देखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, थैंक यू वेरी मच।